महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था तेज किए जाने की जानकारी पुलिस प्रशासन ने दी है। इन दोनों नेताओं के आवास के बाहर सशक्त पुलिस जवानों और क्यूआरटी को तैनात किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के बाहर 2 दर्जन से अधिक पुलिस जवान तैनात है। इसके अलावा आरक्षित पुलिस बल को भी अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। सोमवार को SRPF के कुछ जवानों को भी उनके घर के आसपास गश्त लगाने का आदेश दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस इन दिनों परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। नागपुर के धर्मपीठ स्थित उनके आवास में उनका कार्यालय भी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और फिलहाल के जो वर्तमान के जो विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस, इनके नागपुर स्थित आवास की जो सुरक्षा है एहतियात के तौर पर जो है कड़ी कर दी गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हो कि सशस्त्र पुलिस के जवान जो है और QRT की टीम जो है यहाँ पे तैनात की गई है। सुरक्षा को देखते हुए ये जो एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। कड़े बंदोबस्त जो है फडणवीस के घर के बाहर जो है दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो फडणवीस जो है अपने परिवार के साथ मुंबई में है, लेकिन सुरक्षा के तौर पर यहाँ पे जो है तगड़ा बंदोबस्त जो है किया गया है। मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर। गौरतलब है कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रविवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की थी। उसके बाद NCP के कार्यकर्ताओं ने भी नागपुर के संविधान चौक पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पुलिस का कहना है कि अभी दोनों नेताओं को लेकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए दोनों नेताओं के आवास पर कड़ा पहरा लगाया गया है। वाजे प्रकरण में गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम सामने आते ही जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा छा गया है, जिसके बाद जो है विपक्ष भी आक्रामक होते दिख रहा है। जिस तरह से विपक्ष आक्रामक हुआ नागपुर स्थित गृह मंत्री के आवास के सामने जो है भारतीय युवा पक्ष के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अनिल देशमुख का जो है पुतला भी फूंका था, उसी के मद्देनज़र जो है या अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास की जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर जो है ये सुरक्षा कड़ी कर पुलिस के जवान और QRT की टीम जो है यहाँ पर तैनात की गई है। जिस तरह से वाजे प्रकरण में गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम सामने आ रहा है, विपक्ष को आक्रामक देख और जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, मोर्चे निकाले जा रहे हैं, उसी के मद्देनज़र जो है नागपुर स्थित गृह मंत्री के आवास के सामने कड़ा बंदोबस्त जो है पुलिस का लगाया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।